पूरा लोड लेके जा रहे हैं भैया जी। ये क्या है, ये क्या है अंकल जी, ये क्या है? मोटर है। अच्छा मोटर है, तो भैया जी मोटर लेके जा रहे हैं, पता नहीं खेत पटाने के लिए। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये असली है ये लड़का। किसान लोगों का काम है भाई, हमें नहीं समझ में आएगा। वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग, दिस इज रोहित एंड यू वॉचिंग द बडी रोहित। तो स्वागत करते हैं, हिंदी में भी बात करेंगे गाइज, इंग्लिश तो बहुत हो गया। और आज ब्लॉग शूट करने के लिए जा रहे हैं थोड़ा नज़दीक में, इधर बेगूसराय की ओर। बेगूसराय नहीं जा रहे हैं, बस उस इलाके में जाते हैं ना तो बेगूसराय निकल जाता है। तो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि तुम बेगूसराय आते हो, तुम बोलते नहीं हो, पर भाई मैं बेगूसराय नहीं जाता हूँ, मैं बेगूसराय के रोड से जाता हूँ, तो मैं बेगूसराय ही नाम लेता हूँ। इस बस का हाल देख लो गाइज, कुछ दिन पहले यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था, जब 10th का एग्ज़ाम चल रहा था ना, तो एक बुल्लोरो वाला जा रहा था, उसमें 4-5 लड़कियाँ थी, तो सारी ख़त्म। तो बस वाले का गलती था, तभी बस यहाँ पे पड़ा रह गया। जाओ भैया आप आगे, भाई कार वाला तो बहुत ही स्पीड में चला रहा है, अब उसे ठंड थोड़े ना लग रहा होगा। अंदर से हमें जाना है लेफ्ट में, इधर हसनपुर की ओर। तो आज आप लोग अच्छा खासा सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। वाह टक्कर दे दिया भाई, देख रहे स्पीड चल रहा है अभी 50। अंकल जी 50 की स्पीड में उड़ा रखे, रेस करोगे अंकल जी? नहीं। ये सिंगल रास्ता है ना, जब सिंगल रास्ता में चलने पे थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि तुम इधर से जा भी रहे हो और उधर से लोग आ भी रहे हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम रात को होता है, अगर हाईवे पे हो तो हाईवे पे सिर्फ जाना है और लेफ्ट साइड में, मतलब उसका अलग अलग रास्ता होता है। पर अपने यहाँ क्या है ना बिहार में, कि बिहार में अगर सिंपल सा रोड होता है, वैसे तो हर एक जगह ऐसा रोड होता है, लेकिन इस रोड में ना प्रॉब्लम हमेशा होता है, तो उसके लिए तो देख के चलना ही पड़ेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो ओवरटेक नहीं करना चाहिए टर्निंग पर। और गाँव के लोग और गाँव के बच्चे तो कभी भी रोड पर आ जाते हैं, तो तुम जानते हो ये सब बात। भाई बार बार मैं हॉर्न बजाए जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ साइड दे दो, इंडिकेटर लाइट वाइट सब जला दिया, पर बंदा साइड ही नहीं दे रहा है। कार वाले भैया सोच क्या रहे हैं भाई, साइड दोगे कि नहीं? चूतिया किस्म का इंसान है क्या? गाइस मेरा कैमरा में ना ज़्यादा वाइड एंगल नहीं है, इसीलिए मेरा मीटर कभी दिखता नहीं है, तो मीटर को अगर दिखाएंगे ना तो सामने का व्यू जो है ना ख़राब हो जाता है, तो मैं ज़्यादातर सामने का व्यू ही दिखाता हूँ, क्योंकि मीटर का व्यू दिखाऊँगा तो सारा वीडियो ख़राब हो जाएगा, तो ब्लॉक करने का कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा ना। तो अपने पास एक न्यू कैमरा जब आएगा तो उसको मैं चेक कर लूँगा अपने बाइक के हिसाब से, तब लूँगा। ये तो जब आ गया है तो आ ही गया है, तुम आराम से चलोगे तो भाई रोज़ ब्लॉग बना पाओगे, अगर आराम से नहीं चलोगे तो आज का ब्लॉग 2.5 साल तक चलेगा, मतलब समझ रहे हो ना, ख़त्म, टाटा बाय बाय होगा तुम्हारे साथ। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो, तो बिल्कुल आराम से ब्लॉग करेंगे। तो दादाजी बहुत अच्छा, दादाजी को डराएं क्या दादाजी? देख रहे हो गाइस, दादाजी को वैसे तो डराना ही था, मैं ठोकने वाला था नहीं, इसे क्रॉस करोगे तो हो जाएगा काम। कसम से गाइस बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रहा है, पहुंच गए अपन दूसरा। फाइनली वापस आ चुके हैं घर, और आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को और सपोर्ट करो अपने भाई को। तो मिलते हैं गाइज एक और मस्त से ब्लॉग में, वैसे तो मैं एक मस्त ब्लॉग लाने वाला हूँ, तो मिलते हैं गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।